नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। कानपुर के सबसे भीड़ भाड़ के साथ मुख्य घंटाघर चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीचों बीच सड़क हाई टेंशन लाइन टूटकर बिजली की तरह चमकती और गरजती देखी गई, जिसको देख मौके पर खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। अचानक हुए इस हादसे के पीछे कारण था ओवरलोड ट्रक का गुजरना, जो मंजूश्री टाकीज से होकर डिप्टी पड़ाव की तरफ जा रहा था। तभी ट्रक के ओवरलोड सामान में हाई टेंशन लाइन फंस गई और खिंचाव होते ही टूट कर जा गिरी, जिसकी सूचना पर तत्काल प्रभाव से पहुंची कलेक्टरगंज थाने की पुलिस ने चारों तरफ से रास्ते को बंद कर दिया और दमकल विभाग के साथ बिजली विभाग को इस हादसे की जानकारी दी, जिसको सुनते ही बिजली विभाग ने पहले तो लाइन काटी और फिर मौके पर जाकर घंटों मशक्कत के बाद सब कुछ सही करने का काम किया। लेकिन अगर ताज्जुब की बात को देखा जाए तो हाई टेंशन लाइन गिरने के बाद गलीमत रही कि ट्रक में आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो ट्रक में फंसा ट्रक चालक और क्लीनर को बचा पाना बेहद मुश्किल भरा होता। फिलहाल बड़ा हादसा होते होते टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।